एक शख्स फौत हो गया, तो जब कब्र में गया तो उसके ऊपर अनवा अकसाम के अजाब मुसल्लत हो गए, चूंकि बहुत गुनाहगार था। तो एक दिन अचानक सारे अजाब मौकूफ कर दिए गए और जहन्नम की जानब खोली गई, खिड़की भी बंद कर दी गई और जन्नत की जानब दर खोल दिया गया, और फिरदौस बरी की ताज़ा हवाएं कब्र में आने लगे। तो उसने कहा, मेरे खुदा, तेरी करम नवाजी के मेरे से उस कुल्फत को, उस अजियत को दूर किया, लेकिन क्या मालिक तू ये मुझे बताएगा कि मेरे ऊपर ये करम नवाजी क्यों हुई? तो आवाज़ आई कि मेरे बंदे, जब तू मरा था तो अपनी बीवी की गोद में एक बच्चा छोड़ के आया था। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो उसने उस बच्चे को मकतब में बिठाया है, तो उस्ताद ने उसको कुरान मजीद पढ़ाने से पहले कहा, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उस बेटे ने अपनी तोतली जुबान में मुझे रहमान और रहीम कहा। मुझे शर्म आती है कि इसका बेटा मुझे रहमान और रहीम कह रहा है और मैं इसको अजाब दे रहा हूं। तो मैंने उसके सदके से माफ कर दिया है। तो औलाद अगर रहमान कहे, औलाद अगर रहीम की बोली बोले तो अल्लाह करम कर दे, और अगर औलाद हाफिज़े कुरान हो, अगर औलाद आलम दीन हो, अगर औलाद पंच गाना सजदों की आदि हो। मैं कहता हूँ वालदैन के लिए रोज़ाना दुआ करने वालों पर अल्लाह करम नवाजी फरमाता है, और जो नमाजी होगा वो दिन में कितनी मरतबा कहेगा, रब्बा नग़फिरली वाले वाले दैया, अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे वालदैन की भी मग़फ़रत फरमा दे। तो खुश नसीब हैं वो माँ बाप जिनकी औलाद नमाजी है। अगर आप नमाजी हैं तो आपके वालदैन खुश नसीब हैं। आपकी नमाजों में रोज़ाना आपके वालदैन के लिए दुआ होती है, और आपकी औलादें नमाजी हैं तो आप खुश नसीब हैं कि आपके लिए रोज़ाना बख्शिश और मग़फ़रत की दुआ की जाती है। तो औलाद जब पैदा हो तो सबसे पहले उसके कान में आवाज़ अल्लाह अकबर की पड़े, और बोलने लगे तो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह, और फिर उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े। तो ये औलाद को आप तरबियत में देंगे। बच्चे का अच्छा नाम रखना ये वालदैन के ज़ुम्मे है कि उनका खूबसूरत नाम रखा जाए। अहब्बुल अस्मा, अल्लाह के यहाँ जो पसंदीदा नाम है वो कौन से हैं? अब्दुल्ला व अब्दुर्रहमान। जो अल्लाह को बहुत महबूब नाम है वो अब्दुल्ला और दूसरा नाम अब्दुर्रहमान। इस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे नामों पर अपने बच्चों के नाम रखो। तो हुजूर के अस्मा पर अपनी औलाद के नाम रखे जाएं। बेटे का नाम मुहम्मद रखा जाए, बेटे का नाम अहमद रखा जाए, बेटे का नाम महमूद रखा जाए। और कहते हैं कि अगर किसी दस्तरखान पे मोहम्मद या अहमद नाम का बच्चा होगा वहां बेबरकती नहीं आएगी। अल्लाह नामों की बरकतें उतारता है। सुल्तान महमूद गजनवी का बड़ा महबूब वजीर था अयाज, तो उसका एक बेटा था, उसका नाम मोहम्मद था। तो बादशाह की वो खिदमत किया करता था। तो एक दिन बादशाह वाशरूम में था, तो वहां पानी की जरूरत पड़ी, तो उसने आवाज दी, अयाज के बेटे मुझे पानी दो। तो बेटे ने पानी दिया, लेकिन महसूस किया कि आज बादशाह कोई नाराज हो गया कि मेरा नाम नहीं लिया, तो अपने बाप से कहा। तो अयाज ने बड़ी न्याजमंदी से कहा कि बादशाह सलामत, मेरा बेटा आपकी खिदमत करता है, कोई कोताही हो गई? उसने कहा कोई कोताही नहीं हुई। तो कहा कि आज आपने उसका नाम पुकारा है तो अयास के बेटे कह के पुकारा है। तो सुल्तान महमूद की आंखों में आंसू आ गए, कहा कि तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है और आज तक मैंने ये नाम बेवजू नहीं लिया। अल्लाह अकबर। हमारे क़िबला सर रहमतुल्लाह तआला के बड़े साहबजादे का नाम मोहम्मद था, तो वो साथ जी बोलते थे, मोहम्मद जी, और साथ आंखों से आंसू भी जारी हो जाता जब नाम पुकारते थे। तो हुजूर के नाम पे नाम रखा है तो उसकी भी तकरीम करें, और जिसका ये नाम है उसकी भी तकरीम करें। तो अच्छा नाम रखना, और ये सातवें दिन रखना मसनून है। ऐसा उल्टा सीधा नाम रखना, आजकल लोगों को ये खबत हो गया कि ऐसा नाम रखो कि जिस नाम का बच्चा दुनिया पे पाया ही ना जाए, और फिर ऐसे ऐसे अजीबो गरीब नाम के जो बेमाना होते हैं। तो नाम हुजूर के नामों पर रखो, अस्माए बारी के साथ अब्द की इजाफत के साथ नाम रखो।